जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे धरना प्रदर्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगभग 3 महीने से धरने पर बैठे हैं। निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन, हम लोग 3 महीने 10 दिन हम लोगों को इस इको गार्डन में हो गया और आज पूर्व नोटिस के तहत हम लोग विधानसभा भवन पर हजारों की तादाद में संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के, मांग पत्र को लेकर के सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सुनियोजित तरीके से लाठी चार्ज कर लोगों को वहां से खदेड़ दिया, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं वो घायल हुए हैं और उनके गुम चोटें भी आई हैं, और वहाँ से लगभग स्थानीय पुलिस प्रशासन ने 100 बसें लगा करके संविदा कर्मचारियों को जबरदस्ती बसों में भर करके यहाँ इको गार्डन भेजने का काम किया, और उसके बाद जो संविदा कर्मचारी हमारे बिजली के वहाँ जो रह गए थे वो पैदल मार्च करके यहाँ इको गार्डन आ रहे थे, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, और यहीं कांसीराम स्मारक चौराहे के बराबर में पुलिस प्रशासन ने प्रदेश अध्यक्ष जी को वहाँ लाठियों से पीट करके बुरी तरह से खदेड़ दिया, और वो अभी यहाँ एम्बुलेंस बुला करके उनको जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों की मजदूरी जो है नरेगा के मजदूरों से कम है और न्यूनतम वेतन हम लोगों का 18,000 किया जाए, यही सरकार से हमारी मांग है, और दूसरा जो हम लोगों का अनुबंध सरकार जो कर रही है, पावर कॉर्पोरेशन जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क का काम करते हैं, हाई टेंशन लाइनों पर काम करते हैं, और हमारा जो अनुबंध है वो श्रमिकों का किया जा रहा है, लेबर का किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसको समाप्त करके सरकार सीधा न्यूनतम वेतन 18,000 लागू करे, या फिर ये भी नहीं कर सकती तो सरकार हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करे, समानकारी का समान वेतन जारी करे, और हम लोग ये प्रोटेस्ट आंदोलन जब तक करते रहेंगे जब तक कि चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती, और हम सरकार को ये समय देना चाहते हैं कि समय रहते हुए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो हम लोगों की बात को सुने, और अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो आचार संहिता लगने के बाद 2022 के चुनाव में हम लोग इनको वोट की चोट करके जवाब देने का काम करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई आश्वासन दिया है या कुछ बात? देखिए, आज जो आंदोलन हुआ है ये आंदोलन इसलिए हुआ है कि कई बार स्थानीय प्रशासन द्वारा हम लोगों की वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक पावर कॉर्पोरेशन से ना सरकार के किसी व्यक्ति से हम लोगों की वार्ता कराई गई, और प्रबंधन से हम लोगों की 2-3 वार्ता हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया, हम लोगों की बातें नहीं सुनी गई, और इसको लेकर के उनके अनदेखी के चलते हुए हम लोग आंदोलन लगातार करते रहे, और आज ये आंदोलन उन्हीं की देन है कि आंदोलन ये हुआ है। वहीं इनका कहना है कि सरकार इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी करे, वहीं ये भी मांग है कि जो हाईकोर्ट ने न्यूनतम वेतन तय किया है सरकार उसको लागू करे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इनकी मांगें कब तक मानती है या नहीं। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ आलोक रंजन की रिपोर्ट।